मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं और इस दिन की अगर बात करें तो पतंग उड़ाने का काफ़ी उत्साह होता है युवाओं में। हर कोई जो है पतंग उड़ाने के लिए होड़ सी लगी होती है और एक दूसरे की पतंग भी काटी जाती है। ऐसे में मार्केट जो है पूरी तरीके से पतंग से सज गया है। लोगों की दुकानों पर जो है पतंग बड़ी मात्रा में आ चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो पतंग और मांझे को लेकर लोगों को सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही अगर बात करें तो लोगों को अब अलग अलग कार्टून की बात करें तो अलग अलग कैरेक्टर को लेकर भी पतंगें बनाई गई हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की जो तस्वीरों के लगी हुई पतंग भी मार्केट में अवेलेबल है। तो वहीं कार्टून, चाहे मोटू पतलू की बात करें तो तरह तरह के जो है कार्टून पर भी आधारित जो है कैरेक्टर की पतंगें जो है मार्केट में आई हुई हैं। सीरियल की बात करें तो भाभी जी घर पर हैं कि सीरियल का जी भी जो है साफ तौर से देख सकते हैं कि दुकानों पर पतंग टंगे हुए हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह होता है पतंगबाजी करने का और साथ ही जिस तरीके से पतंग उड़ाने के साथ साथ लोगों को सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि त्यौहार खुशी खुशी मनाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो पतंग के साथ साथ लोग को ये सावधानी भी बरतनी चाहिए कि पतंग के पीछे ना भागें। साथ ही मांझे की अगर बात करें तो जो ये मांझा होता है, इस मांझे से कई बार हमने देखा है कि मांझे से लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। कई बार पशु पक्षी जो है पक्षी इसके शिकार होते हैं, पक्षी घायल हो जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है कि लोग इस तरह का मांझा न यूज करें, लोग जो है चाइनीज मांझे का उपयोग न करें, सावधानी बरतें, खुशी खुशी त्यौहार मनाएं। और साथ ही पतंग की अगर बात करें तो पतंग को लेकर मार्केट में तरह तरह से अलग अलग कैरेक्टर के पतंग आ चुके हैं और लोग काफ़ी उत्साह के साथ इन पतंगों को खरीद रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या कार्टून की बात करें तो मोटू पतलू को लेकर लोगों में काफ़ी बच्चों में क्रेज होता है। साथ ही भाभी जी घर पर हैं जो सीरियल काफ़ी फेमस है, उसके भी कैरेक्टर की पतंग मार्केट में उपलब्ध है और लोग जो है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति मनाने की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। दुकानें पूरी तरीके से सजी हुई हैं, पतंग के अलग अलग कैरेक्टर की पतंग आ चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार, उनसे जानते हैं कि इस बार आपके दुकान पर काफ़ी पतंगे सजी, क्या क्या कैरेक्टर की पतंगे हैं आपके पास? ये अपना देखिए प्रोग्राम के पीछे, ये प्रोग्राम के पीछे है, सीबी टीवी सीरियल के है, ये भीम का है, भीम के है, स्पाइडरमैन के है, ये पूरे कार्टूनों के पीछे, कार्टूनों ज़्यादा है, हर एक चीज़ के रंग बिरंगे भी पतंगे हैं, स्पाइडरमैन के भी है, ऐसे हर एक प्रकार के पतंगे हैं मेरे पास। फिर भी इस बार मार्केटिंग के हिसाब से मतलब वो बहुत डाउन है इस साल बाजार। अगर महंगाई की बात करें तो क्या महंगाई का असर है इस बार बिजनेस? हाँ, बहुत ज़्यादा ही है इस बार। इस बार जो हिसाब से देखे अभी इस बार सीजन, अभी आजकल पतंग का है मकर संक्रांति, आज पतंगे इतने दुकान में भरी हुई है मगर अभी तक मार्केटिंग नहीं है कुछ। क्या पिछली बार की अपेक्षा इस बार भी ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं? 50-50% है सर इस साल। ऐसे में मांझे की अगर बात करें तो मांझा किस प्रकार का है, क्योंकि चाइना का मांझा, चाइना वाला मांझा जो आता था मांझा वो बंद हो चुका है अभी। ये तो अपने कपड़े के मांझे हैं, धागे के मांझे हैं, ये अपना डोरे हैं, यही है खाली। जो पहले वो तंगूस के आते थे जो अपना चाइना के, जो उससे पंछी जो उड़ते थे उनको कट बिट जाता था, प्रॉब्लम होता था, इसके लिए वो चाइना वाला बंद हो चुका है। आपने बताया कि आपके पास सीरियल के हैं, कार्टून के हैं, हमने देखा दुकानों पर बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीरों के पतंग आए हुए हैं। हाँ आए हुएंगे सर, मैं वो लाया नहीं सर, वो क्या है राजनीति वाली बात हो जाती है, फिर कोई हमारा कोई बेचरा कोई बोले हमारा नहीं बेचरा, इसके अलावा वो सब हम किसी के भड़काव में वो नहीं कर सकते ना सर। मार्केट में आया हुआ है, मार्केट में आया क्या क्या कैरेक्टर का आया हुआ है ये नहीं मालूम, दो चार कैरेक्टर के मैं देखा हूँ मोदी जी के, वो नहीं लाया मैंने, वो क्या अच्छी चीज़ नहीं है, वो क्या उड़ाएंगे अपने नीचे पैर पर गिरे, किसके जाए किसके अम्बान की बात है वो। बिल्कुल करेक्टर की तरह इस बार जो है मांझे भी आए हैं, हर तरफ जो है लोगों को आकर्षित करने के लिए, जो पतंगबाजी करते हैं उनको आकर्षित करने के लिए तरह तरह से जो है व्यापार और मार्केट सजी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट पर भी जो है पतंग के व्यापार पर भी महंगाई की मार है। पतंग उड़ाने का जो क्रेज है वो युवाओं में बढ़ चढ़ कर होता है, लेकिन साथ ही जिस तरह से अगर बात करें तो पतंग उड़ाने के साथ साथ सावधानियां भी बरतने की ज़रूरत है। कई बार देखा गया है कि पतंग उड़ाते समय लोग अपनी जान गंवा देते हैं। साथ ही अगर बात करें तो बेजुबान जो पक्षी होते हैं उनकी भी जानें चली जाती है, क्योंकि जिस तरह से मांझे की अगर बात करें पतंग के, तो जो मांझा होता है, जो मांझा है वो चाइना का जो मांझा है, उससे कई बार लोगों के हाथ कट जाते हैं। तो कई बार
पक्षी उसमें फंसकर पक्षियों की जान चली जाती है तो घायल हो जाते हैं। ऐसे में जरूरत है आज लोगों को सतर्क रहने की। पतंग उड़ाइए, खुशी से त्यौहार मनाइए, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखें कि एक तरफ जहां आपके मजे हैं तो दूसरी तरफ किसी की जान न चली जाए, इसका भी ख्याल रखने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि त्यौहार खुशियों का होता है और खुशियों का त्यौहार गम में ना बदले, इसका ध्यान भी रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में बात करेंगे पशु पक्षी की। जिस तरह से पक्षी की बात करें तो आसमान में जब पक्षियां किलकारी गूंजती हैं तो शायद आपका सवेरा होता है और उन्हीं किलकारियों के साथ आप अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, लेकिन पतंगबाजी के चलते वही पक्षी घायल हो जाते हैं, कई बार उनकी जान चली जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं पक्षी प्रेमी अजय कौल सर, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, जिस तरीके से पतंगबाजी का क्रेज होता है, मकर संक्रांति आती तो लोग पतंग के लिए पहले से तैयारी करते हैं, पतंग उड़ाना है, मांझे को लेकर लंबी लंबी ऊंचाइयों पर, खूब ऊंचाइयों पर पतंग उड़ाते हैं और एक दूसरे की पतंग काटने की होड़ भी होती है। ऐसे में पक्षियों को लेकर जिस तरह से घटनाएं सामने आती है, पक्षी घायल हो जाते हैं, कई बार जो चाइना का मांझा है उससे पक्षियों के पैर कट जाते हैं, कई तरह की घटनाएं घटती हैं, क्या कहेंगे पक्षी आए पक्षी प्रेमी? नहीं, जैसे आपने कहा कि आनंद, त्यौहार का आनंद तो लोगों ने लेना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए कि कैसे पक्षियों का भी ख्याल रखा जाए। कि जैसे आपने बताया कि जैसे चाइना का मांझा आपने देखा है, जिससे कि पक्षी घायल हो जाते हैं, बहुत सी बार उन घायल होने के बाद उनकी मौत भी हो जाती है, और उसके अलावा भी उन्होंने अपना भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएँ होती है जिसकी वजह से लोग अपनी जान गंवाते हैं, तो ये एहतियात सबने बरतना चाहिए। खुशियां मनाएं लेकिन उसके साथ साथ सावधानी भी बरतें। खुशियां मनाएं, सावधानी भी बरतें, लेकिन जिस तरह से आज चाइना की बात करें तो पतंग से लेकर मांझे तक चाइना के हैं, जो पतंग उड़ाने वाले लोग हैं, क्योंकि पतंग उड़ाने का क्रेज हर किसी में है, हर कोई ये इंतज़ार करता है कि मकर संक्रांति आ रही है, खूब पतंग उड़ाएंगे। कई बार हमने देखा है कि पक्षी के साथ साथ लोगों की भी जान गई है, लोग छत से नीचे गिर पड़ते हैं, तो ऐसे में पक्षी प्रेमी पक्षियों को लेकर किस तरह से अजय कौल जो है लोगों को जागरूक करेंगे? देखिए, जैसे अब ये तो लोगों को ही फैसला करना है कि हमें किस हद तक ऐसे मांझे का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे लोगों को हानि पहुंचे। तो उत्साह के साथ साथ इस चीज़ों का लोगों ने खुद फैसला करना चाहिए कि हमें किस तरीके से इसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से हो सके जहाँ तक इसको अवॉइड करें, खुशियाँ मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ ये सावधानी भी ज़रूर बरतें। साथ ही त्यौहार के साथ साथ जरूरी है कि किस तरह से अपने आप के साथ बच बचाव करें और किस तरह से लोग पक्षियों की बचाव करें, उसके बारे में भी जानेंगे। सर, क्या कहेंगे उन लोगों से जो पतंग के लिए काफ़ी क्रेज में रहते हैं, उनको शायद सावधानियाँ बरतने के लिए समय नहीं मिलता, उनको किस तरह से सावधान करेंगे? मुझे लगता है कि लोगों ने जैसे कि ये जो मांझे हैं जो हानि पहुंचाते हैं और ये जो तेज़ मांझे हैं, उसकी जगह पे अगर वो सूत के मांझे का इस्तेमाल करें, ख़ास करके जो यंगस्टर्स और बच्चे होते हैं वो काफ़ी ऊंचाइयों पे ओपन टेरेस पे जाके पतंग उड़ाते हैं, तो कम से कम नीचे लो लेवल से या ज़मीन के लेवल से वो पतंग उड़ाए, ताकि अपनी जान की भी सावधानी वो बरतें। इस प्रकार से अगर ये थोड़ी सावधानी बरतें तो खुद अपने आप को, हम लोग अपने आप को भी जीवन के धोखे से बचा सकते हैं, औरों के जीवन को भी बचा सकते हैं, और ख़ास करके पक्षियों को भी हम बचा सकते हैं, तो ये सावधानी लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। मकर संक्रांति के मौके पर पतंग के साथ साथ तिलगुड़ खाने का भी एक अनोखा उत्साह होता है और अनोखा ही मज़ा होता है। कहते हैं मराठी में अगर कहें तो तिलगुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला, यानी तिलगुड़ खाइए और मीठा बोलिए, और इसी के साथ इस त्यौहार की शुरुआत होती है और लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नगर सेविका, समाज सेविका सुधा सिंह जी। क्योंकि बात करें तो ये ऐसी संस्था के साथ साथ, राजनीति के साथ साथ, संस्था के साथ साथ तमाम ऐसे कार्य करती हैं। आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, तो सुधा जी, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप सभी को भी, हमारी जनता को भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की बात करें तो किस तरह से मकर संक्रांति मना रही हैं, क्योंकि जो तिलगुड़ होता है सबसे प्रमुख माना जाता है मकर संक्रांति में। हाँ, माना जाता है, क्योंकि मीठा खाइए और मीठा बोलिए, और सबसे अच्छी बात है कि ये जो मकर संक्रांति है हम सभी का बहुत ही अच्छा त्यौहार है,
और इसमें हम लोग बहुत से लोग, हम लोग घर में भी बनाते हैं, तिल लाएँ, गुड़ लाएँ, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम उसको घर पे लाके बनाते हैं, बहुत से लोग अपना बाहर से लेते हैं। और इसमें पतंगे भी उड़ाई जाती हैं। पतंगों में उड़ाने के समय हमें बहुत सी सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारे बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पे जाते हैं, कुछ हादसा होता है जो हमारे, और पंख वगैरह जगह होते हैं जी, उसमें डोरी जो है कभी उनके पैरों में फंसती है, कभी उनके पंख में लगते हैं। पक्षियों का खासकर हमें ध्यान रखना चाहिए। रास्ते में लोग जाते हैं, धागे आ जाते हैं, हर चीज़ में थोड़ा, क्योंकि है तो खुशी का त्यौहार है, हम सबका बहुत बड़ा त्यौहार होता है मकर संक्रांति हम पूरे भारत के लिए, तो कुछ चीज़ें उसमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं तो छोटी, लेकिन कभी हादसा होता है तो वो बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए हम मकर संक्रांति मनाएं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभेच्छा। जिस तरह से मकर संक्रांति तो मनाएं क्योंकि खुशी का त्यौहार है, लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि पतंगबाजी के चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ भी करते हैं, क्योंकि आप ऊंची-ऊंची इमारतों पर चढ़कर जब पतंग उड़ाते हैं तो उस दौरान पतंग के पीछे भागने के चक्कर में कई लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब बात करेंगे गुजरात में किस तरह से मकर संक्रांति मनाई जाती है। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जानना चाहेंगे गुजरात में किस तरह से मकर संक्रांति आप लोग सेलिब्रेट करते हो। हैप्पी मकर संक्रांति। गुजरात में हैप्पी मकर संक्रांति केवी रीते उजवाय छे के तलना गोळनी, ममरानी, सींगनी चीक्की बनावे छे ने लोको धाबा पर जईने पतंग उड़ाड़े छे, ऊंधियो पूरी जलेबी खाईने पतंग चगावानी ने डीजे वगाड़वानी जे ગુજરાતમાં મજા આવે છે એ ક્યાંય નથી। તમે પતંગ ચગાવો છો સારું છે, પણ પતંગ પકડવા માટે, પતંગ ઉડાડવા માટે ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે બાઇક ઉપર જતા લોકોને તમારા પતંગનો દોરો જે અહીંયા લાગે છે તેનું, પક્ષીઓનું, અને પતંગ પકડવા જતા બાળકોને તમે એનું ધ્યાન રાખો કે આવી રીતે ના થવું જોઈએ। મકર સંક્રાંતિનો તહેવાર એટલો સરસ છે કે તલ ખાઈને પોતાના શરીરની શુદ્ધિ કરવી જોઈએ અને સૂર્યનારાયણ ભગવાનનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ। અને મકર સંક્રાંતિમાં પતંગ ઉડાડવાનું મહત્ત્વ તે છે કે સૂર્યનારાયણની જે આજનો દિવસ છે તે આપણા ઉપર પડે અને આપણે સારી રીતે પતંગ ઉડાડી શકીએ તે રીતે, બાકી તો બધું બરાબર છે। આપસે જાણેંગે કિસ તરહ સે મકર સંક્રાંતિ મના રહી હે। આપ હમારી ઇન્ડિયા કે કિસ સ્ટેટ કી બાત કર રહે હે, યુપી કી? તો યુપી મેં મેં બતાના ચાહતી હું યુપી કે લિયે કે વહાં કિસ તરહ સે મનાયા જાતા હે। વહાં હૈ કે જિસે ચિવડા આપ સમજતે હૈ ઉસકો રખતે હૈ લોગ, और सारे अनाज वगैरह भी रखते हैं भुजा हुआ, उसको बिस्रू बिस्रू कहकर हाथों से छूते हैं सुबह नहाकर, और गुड़ और इसका काला तिल जो होता है उसको छूते हैं और खाते भी हैं, और सबकी हृदय से पूरा अपने परिवार और सबके लिए शुभकामना ईश्वर से मानते हैं कि हमें सुखी और शांति रखें। तो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में भी लोग जो कुछ भी करें सारी जनता के लिए सुख शांति का जो माहौल है बनाए रखे, और हम इस त्यौहार को हमेशा मैं सबके अंदर प्रदान करना चाहती हूँ कि जिस तरह के शांति से विष्णु विष्णु कह के और छूकर और सबके अपने परिवार के लिए भला चाहते हैं, वैसे हम अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए करें। थैंक यू। मकर संक्रांति की त्यौहार की बात इन्होंने बताई कि किस तरह से लोग सुबह उठकर अपने घरों में पहले जो है अनाज को छूते हैं और फिर विष्णु विष्णु का बात करते हैं। ऐसे में मैडम किस तरह से मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रही हैं? मैं तो पहले सबको धन्यवाद दूंगी, मकर संक्रांति की शुभेच्छा दूंगी, और मैं बताना चाहती हूँ भारत में संक्रांति मराठी बोला भारतामध्ये मकर संक्रांती हा सण पौष महिन्यामध्ये साजरा करतात, कारण भारत कृषीप्रधान देश आहे आणि कृषी हे भारताचं सर्वात मोठं महत्त्व मानलं जातं, त्याच्यामुळे जे पण शेतकरी जे पण उगवतात धान्य त्याचं वाहन बायका एकमेकांना देऊन हा सण साजरा करतात। महाराष्ट्रामध्ये जरा वेगळं पद्धत आहे, इथे काही वस्तू देतात, काही बांगड्या आहे ते, म्हणजे असं वेगवेगळ्या वस्तू देऊन इथे साजरा केला जातो, आणि बायका उखाणे घेतात। महिषासुरमदिनी देवी जी आहे, हे स्त्रीला त्यांनी रूप दिलेलं आहे, स्त्रीचं एक जागृत हे आहे, आणि त्याच्यामुळे महिलांमध्ये ती शक्ती त्या दिवशी निर्माण होते आणि ती पूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी स्वीकारते, आपल्या कुटुंबावर कुठल्याही प्रकारचं दुःख येऊ नये म्हणून ती हे करत असते, सतत प्रार्थना करत असते, आणि त्या दिवसाला खूप महत्त्व आहे।
तिल गुड़ का भी काफी महत्व होता है यहाँ पर। तिल गुड़ गया गोड़गोड़ बोला ये तो अक्षरशः म्हणजे मराठी मध्ये सगळ्या घरघरातून ते वाटतात आणि त्याचं सगळ्यांना हे करतात। बिल्कुल, पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से जो है मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। तो हमने आपको बताया कि कौन से राज्य में किस तरह से मकर संक्रांति मनाई जाती है, यूपी हो, बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र में हो, इन तमाम राज्यों में जिस तरह से मकर संक्रांति का महत्व है इन लोगों ने बताया, और कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है ये भी बताया है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पतंगबाजी, क्योंकि इस दिन का हर युवा को बेसब्री से इंतजार रहता है कि मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की जाएगी और एक दूसरे की पतंग काटने की होड़ मची होती है। लेकिन सावधानी भी बहुत ज़रूरी है, सावधान रहें, खुशी खुशी त्यौहार मनाएं, यही अपील हम भी आपसे करते हैं। और चलते चलते आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ।